फिर मज़े की बात बताऊं मैं आपको, फिर मैं जब मेरी शादी हुई, माय हस्बैंड वाज अ डिप्लोमेट, तो वो हमारी पोस्टिंग जगह जगह हुई, तो फिर हम वियना में भी हमारी पोस्टिंग हुई, तो उस दिन हम ओपरा जा रहे थे, तो मैंने कहा मैंने तो अब पूरा, जैसे वो यूरोपियंस अपने इवनिंग ड्रेसेस के साथ आते हैं खूब खुले खुले, मैंने कहा मैंने भी इवनिंग ड्रेस में जाऊंगी, और मैंने अपना वो जोड़ा निकाला वेडिंग, और वो मैं तो पहन साथ लेके गई थी। हाँ मैं अपना सब कुछ साथ लेके गई थी, सारे जोड़े सारे जेवर एवरीथिंग, तो वो फिर मैंने वहाँ पे वो पहना और सब लोग देख रहे थे, वो क्या बात है, चमकीला वो ये था, उसको मैंने बहुत दफ़ा पहना है, और भी रिसेप्शन पे ईद वगैरह के ऊपर भी वही वाला ड्रेस पहना, और मेरी कुछ तस्वीरें भी हैं, तस्वीरें वो सिंधी आए हुए थे, सिंधी म्यूजिशियंस आए थे, हाँ हाँ, तो वही ने उसको इन्वाइट किया, और फिर हमने सारे पाकिस्तानियों को इन्वाइट किया और फॉरनर्स फ्रेंड्स को सबको इन्वाइट किया, तो कोई 200-250 बंदा था कमरे के अंदर, तो वहाँ पर फिर उन्होंने सिंधी म्यूजिशियन जो छह थे उन्होंने फिर बड़ा फर्स्ट क्लास बड़ा आपने एंजॉय किया, मैंने कहा उठो उठो सब नाचो, बैठे हुए किस लिए हो, उस जमाने में इतना नाच गाना नहीं होता था, लोग रिलक्टेंट थे, और फिर ये भी रिलक्टेंट थे कि एम्बेसडर के घर बैठे हैं हम नाचेंगे तो एम्बेसडर क्या कहेगा, घर से ही निकाल देगा, मैंने कहा नहीं 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 कि तो चलो लेट अस डांस, लेट अस एंजॉय द इवनिंग, ईद है आज।